हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे और आप सभी की विद्याज्ञान स्कूल ऑनलाइन पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे बच्चों के पास यही समस्या है कि उनका कॉल लेटर नहीं आया, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र आता है बाय पोस्ट डाकखाने के जरिए, वो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं आया। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमारा कॉल लेटर नहीं आया तो हम पेपर देने जाएँ या फिर नहीं जाएँ। तो बहुत सारे मुझे बच्चे बोल रहे, तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा आपका जो अगर कॉल लेटर नहीं आया तो आपको परीक्षा देने तो जरूर जाना है, ठीक है। परीक्षा आपकी होगी, 100% होगी, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा अगर आपका कॉल लेटर नहीं आया तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर जिन बच्चों का पेपर 13 और 14 मई को होने वाला है, क्लास 6 का होने वाला है और 7 का होने वाला है 15 और 16 मई को, ठीक है। सभी को अपनी डेट पता है, सभी ने अपने एग्जाम सेंटर भी पता कर लिए होंगे, सभी लोग निकलने के लिए मतलब तैयारी उनकी हो चुकी है, जाने के लिए उन्होंने सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करवा लिए हैं। अब एक ही बात है कि जिन बच्चों के पास कॉल लेटर नहीं आया उनका क्या होगा। तो देखिए, जिनका कॉल लेटर नहीं आएगा उनको क्या करना है अब, ठीक है। अब देखिए, अब की बार जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ज़्यादा मात्रा में हुआ है और जो ऑनलाइन परीक्षा का जो टाइम है वो केवल 1 तारीख को आप सभी का रिजल्ट आया था और 13 को मई से ऑनलाइन पेपर शुरू होने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के 13 दिन का ही टाइम आप सभी के ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयारी के मिला था। और उन 13 दिन के अंदर अंदर कितने बच्चों का सिलेक्शन आपको अंदाजा भी नहीं है, उन सभी के घर पे बाय पोस्ट कॉल लेटर भी भेजना था। तो ये जो काम था बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस था, अगर इनको टाइम मिलता विद्यागन वालों का तो आपके पास कॉल लेटर जरूर आ जाता। अब इनके पास खुद ही नहीं टाइम मिला 13 दिन के अंदर, वो कितने बच्चों को कॉल लेटर भेजते। तो इसलिए ना, कुछ कुछ बच्चों के पास आया, कुछ कुछ बच्चों के पास नहीं आया। अब जिन बच्चों के पास आ चुका उनको तो बढ़िया बात है, ठीक है। जिनके पास नहीं आया उनको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों आपको गूगल में लिखना है viidygyan.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है विद्याज्ञान की, ठीक है। या फिर आपको गूगल में इस तरीके से सर्च करना है, विद्याज्ञान.in सर्च कर लेना है। या फिर आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है, आपको लिखना है www.vidyagyan.in, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। ये विद्याज्ञान स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस जानेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह के पेज पे पहुंच जाओगे, इस तरह का पेज आएगा आपके सामने, यहाँ फोटो लगे रहेंगे। ये विद्याज्ञान स्कूल के स्टूडेंट हैं जो कि अब अच्छी खासी लेवल पे हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 3 लाइनें मिल जाएंगी देखने के लिए, मिल रही है ना बच्चों। तो आपको 3 लाइनों पर क्लिक करना है, ठीक है। अब एडमिशन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, एडमिशन वाले पे। मैंने एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक किया। अब जिस भी क्लास के लिए आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था वो आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं सपोज करो, अगर आप क्लास 6 के लड़के हो तो आपको क्या करना है, जो कि दिख रहा है ना शॉर्ट लिस्टेड क्लास 6 बॉयज, इस पर आपको टच करना है। ओके बच्चों, जैसे आप इस पर टच करोगे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, ये काम आपको कहाँ पर जाके करना है, आपको ये कैफे सेंटर पे जाके करना है, क्योंकि आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट निकलवाना पड़ेगा आपके अपने रिजल्ट का, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको निकलवाना है वो भी। तो मैंने ये सपोज करो कोई लड़का है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। मान लो आपका कोई भी लड़का है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, सपोज करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं किसका नहीं आया, मतलब मैं एक ऐसी रैंडमली बोल रहा हूँ कि शिवराज सिंह, ये दिख रहा है ना नाम शिवराज सिंह, ये वाला दिख रहा है, इनका एडमिट कार्ड नहीं है। तो अब इनको क्या करना है, आपको भी अपना मतलब सबसे पहले तो अपना जो रोल नंबर है वो सर्च कर लेना है सबसे पहले आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक टच करोगे तो यहाँ पर सर्च करने वाला आपको OMR शीट नंबर से या फिर अनुक्रमांक नंबर से अपना जो है सर्च कर लेना है जैसे, ठीक है। कुछ भी सर्च कर लेना अगर आपका कॉल लेटर नहीं आया। उसके बाद आपका जहाँ पर भी आपका नाम हो, जैसे कि मैं बच्चे का नाम देख रहा हूँ किसी का, रवि, सपोज करो कि यहाँ पर रवि का नहीं देखते हम, अर्जुन का देखते हैं। तो अर्जुन का कॉल लेटर नहीं आया। अब अर्जुन का कॉल लेटर नहीं आया तो अर्जुन क्या करेगा, सबसे पहले आपको अपना नाम देख लेना है। उसके बाद अर्जुन क्या करेगा, ये जो पहला पेज दिख रहा है आपको, ये वाला इस एक पेज का आप ये क्या करेगा, एक प्रिंट आउट निकलवा लेगा। क्या करेगा, प्रिंट होता है ना, फोटो कॉपी निकलवा लेगा, प्रिंट आउट निकलवा लेगा। उसके बाद ये इसको निकलवा लेगा, उसका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। बस विद्याज्ञान वाले वही देखते हैं कि लिस्ट में नाम आया था या फिर नहीं। उसके बाद आप उनको बता देना कि हमारे पास कॉल लेटर नहीं आया है पर हमारा रिजल्ट लिस्ट में नाम है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करके आपका एग्जाम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया इस वीडियो में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक अजय विद्याज्ञान यूट्यूब चैनल है उस टाइम तक आपको विद्याज्ञान से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी और एक एक अपडेट सबसे पहले रहेगी, ठीक है। और भी अदर यूट्यूब चैनल हैं जो आपको अच्छी जानकारी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक अजय विद्याज्ञान यूट्यूब चैनल है आपको अच्छी जानकारी मिलेगी हमेशा के लिए और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अगर कॉल लेटर नहीं आया है तो किसी कैफे सेंटर पे जाओ जहाँ पर आप फोटो स्टेट वगैरह कर पाते हो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हो। उसके बाद जो वेबसाइट है www.vidyagyan.in, वो आप सर्च करो,
एडमिशन वाले सेक्शन पे जाओ, अपना जिस भी क्लास के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वो रिजल्ट चेक करो, उसके बाद अपना जो है रिजल्ट लिस्ट में नाम वाला वो है प्रिंट आउट एक पेज निकलवा लो, ठीक है। उसके बाद वो आपको ले जाना है विद्याकैन स्कूल जब आप पेपर देने जाओ, उसके बाद आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पेपर भी इजीली दे पाओगे और आपका पास भी होगा पेपर, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप सभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक जरूर कर देना, ठीक है।